हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द एमसीक्यू ऑफ 5th अगस्त 2017। सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और फेसबुक और टेलीग्राम पर वीडियो के नोटिफिकेशंस के अलावा मैं अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज अक्षय कुमार। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार, और योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को टैक्स फ्री किया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाइक। दिल्ली पुलिस वुमेन सेफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन हिम्मत कैन बी एक्सेस्ड बाय विच कैब एग्रीगेटर्स ऐप। करेक्ट आंसर इज ऊबर। दिल्ली पुलिस की वुमेन सेफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन हिम्मत को उबर ऐप से भी एक्सेस किया जा सकता है, और वुमेन सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ पार्टनरशिप की है। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 150 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट्स लेने वाले सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं, और अश्विन सबसे फास्टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं 29 टेस्ट मैचेस में, और रविंद्र जडेजा ने 32 टेस्ट मैचेस में 150 विकेट्स लिए हैं। हु विल बी द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार। राजीव कुमार होंगे नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट, और राजीव कुमार रिप्लेस करेंगे अरविंद पनगड़िया को, और इसके साथ ही विनोद पॉल को मेंबर बनाया गया है नीति आयोग में। अंकुर मित्तल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। करेक्ट आंसर इज शूटिंग। इंडियन शूटर अंकुर मित्तल ने इंडिविजुअल और मेंस डबल ट्रैप इवेंट में एज अ टीम गोल्ड मेडल भी जीता है, और ये गोल्ड मेडल जीते हैं 7th एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। हु हैज बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और वेंकैया नायडू नॉमिनी थे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के। विच इंडियन बॉक्सर हैज वन द WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट टाइटल। करेक्ट आंसर इज विजेंदर सिंह। इंडियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने जीता है WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट टाइटल, और डिफीट किया है चाइना के जुल्फिकर मेमेतियाली को। लोकसभा पास्ड बिल टू रेस नाबार्ड्स कैपिटल फ्रॉम 5,000 करोड़ टू हाउ मच रुपीज। करेक्ट आंसर इज 30,000 करोड़ रुपीज। रिसेंटली लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, और इस बिल के अकॉर्डिंग नाबार्ड की कैपिटल को 5,000 करोड़ रुपीज से इंक्रीज करके 30,000 करोड़ रुपीज कर दिया जाएगा। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स इन आंध्र प्रदेश आर गोइंग टू गो कंप्लीटली ग्रीन। करेक्ट आंसर इज 2। आंध्र प्रदेश के 2 एयरपोर्ट्स तिरुपति और विजयवाड़ा को कंप्लीटली ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और इसके पहले कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि केरला में है वो वर्ल्ड में फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट बना था। पॉल कैगमे री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज रवांडा। पॉल कैगमे को री इलेक्ट किया गया है रवांडा के प्रेसिडेंट के लिए, और रवांडा की कैपिटल है किगाली और करेंसी है फ्रैंक। मुगलसरा रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के मुगलसरा रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने के लिए अप्रूवल दिया है। विच गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट
13 lakh soil health cards among farmers. Correct answer is Assam. Assam state government farmers को 13 lakh soil health cards distribute करेगी. और आपको ध्यान रखना है कि चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरी असम में है. Which company has bagged 3,375 crore rupees deal to design and build an integrated light rail based urban transit system in Mauritius? Correct answer is L&T. L&T को 3,375 करोड़ रुपीस की डील मिली है मॉरिशस में लाइट रेल बेस्ड अर्बन ट्रांजिट सिस्टम को बनाने के लिए. और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है रुपी. रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU विथ विच एंटिटी फॉर एक्यूरेसी इन सैटेलाइट नेविगेशन? करेक्ट आंसर इज CSIR. सैटेलाइट नेविगेशन में एक्यूरेसी के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने CSIR के साथ MOU साइन किया है. और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. कोटक महिंद्रा बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू सर्विस कॉल्ड कोटक रेमिट. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज मुंबई. कोटक महिंद्रा बैंक ने एक न्यू सर्विस कोटक रेमिट को लॉन्च किया है और ये एक 24/7 फॉरेक्स रेमिटेंस सर्विस है. और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल. सेबी हैज डायरेक्टेड दैट स्टार्टिंग 1 अक्टूबर लिस्टेड कंपनीज विल नीड टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट्स ऑन लोन रीपेमेंट्स विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज? करेक्ट आंसर इज 1. सेबी ने कहा है कि 1st ऑफ अक्टूबर से लिस्टेड कंपनीज को लोन रीपेमेंट्स पर डिफॉल्ट्स को सिंगल डे में डिस्क्लोज करना होगा. हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू टू बी इंडक्टेड इन पाकिस्तान कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इन ओवर 20 years? करेक्ट आंसर इज दर्शन लाल. दर्शन लाल फर्स्ट हिंदू बने हैं जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया है. इंडियन रेलवे साइंड इट्स फर्स्ट EPC कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर लार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1,050 crore? करेक्ट आंसर इज L&T. इंडियन रेलवेज ने अपने फर्स्ट EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है L&T के साथ 1,050 crore rupees में. और इस डील को साइन किया गया है रेलवे लाइन्स प्रोजेक्ट्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए. बेइरा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज मोजाम्बिक. SR ग्रुप की कंपनी SR पोर्ट्स ने 30-year कंसेशन एग्रीमेंट को साइन किया है मोजाम्बिक गवर्नमेंट के साथ 20 million टन्स पर एनम कोल टर्मिनल को डेवलप करने के लिए बेइरा पोर्ट पर. और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 3 इंडियन अमेरिकन को गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया है. नील चटर्जी फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर बने हैं. विशाल अमीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेटर बने हैं. और कृष्णा आर US के एम्बेसडर बने हैं पेरू में. और रिसेंटली इंडियन डबल्स पेयर जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में. और आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर एस डिनोट्स इन द एब्रीविएशन CBS? करेक्ट आंसर इज सॉल्यूशन. आपको ध्यान रखना है कि CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. और आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज मणिपुर. आपको ध्यान रखना है कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है. और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड में सिंगल फ्लोटिंग पार्क है. और आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर M डिनोट्स इन द एब्रीविएशन MBR? करेक्ट आंसर इज मास्टर. आपको ध्यान रखना है कि MBR का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स.
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।